नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं स्वासरा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट का उम्मीदवार भी कहा जा रहा है, राकेश जी पाटीदार के साथ। राकेश जी पाटीदार जो है प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं और साथ ही किसान हितैषी नेता भी माने जाते हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि वर्तमान में जो सुहासरा विधानसभा क्षेत्र है, जो मंत्री हरदीप सिंह डंग का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस तरह के मुद्दे हैं, क्या चुनावी माहौल है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को नमस्कार। जैसे कि अभी वर्तमान में चुनावी दौर है, कल हमारे यहाँ जन आक्रोश रैली भी आ रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर है, पर पूरे क्षेत्र चारों तरफ से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे किसानों की इतनी दुर्दशा हुई क्योंकि बीच में बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं होने के कारण फसल पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, क्योंकि जो फसल को जिस समय पानी चाहिए था उस समय पानी मिल नहीं पाया, इसलिए फसल की पूरी मतलब हो नहीं पा रही, मतलब मुश्किल से 20-25% फसल पैदा होगी। ऐसे समय में इस क्षेत्र के मंत्री का दायित्व होता कि वो किसानों को राहत प्रदान करते, पर आज उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकली जिस समय जगह जगह किसान सड़कों पर खड़े हुए सोयाबीन लेकर, पर इस जन आशीर्वाद यात्रा में जितने नेता थे मंत्री थे उनसे एक बात किसान के लिए नहीं निकली। और रही बात जब 2020 में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में उन्होंने जगह जगह जाकर यहाँ के जो प्रदेश के वित्त मंत्री दोनों ने जाके बोला था खजाने की चाबी मेरे पास है, जो अधूरी घोषणा है, जो वादे बाकी रहे वो हम पूरे करेंगे। जैसे किसानों की कर्ज माफी बाकी रह गई, किसानों की जो प्राकृतिक आपदा का जो मुआवजे की किस्तें बाकी रह गई, ये सारे वादे इन्होंने अनेक वादे यहाँ पे उस समय चुनाव में किए थे। और उसमें से आज दिन तक सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कैबिनेट में उन्होंने आज दिन तक किसानों की कर्ज माफी के लिए बात नहीं करी, किसानों के मुआवजे के लिए बात नहीं करी। आज गौ माता की बात कर लीजिए, देख लीजिए आज गौ माता जो कमलनाथ की सरकार में 1000 गौशालाएं खुली थी, आज उन 1000 गौशालाओं के अलावा मध्य प्रदेश की सरकार में आज भाजपा की सरकार है जो गौ माता की बात करते, हमारे यहाँ के मंत्री बात बात में गौ माता की बात करते, पर आज एक गौशाला नहीं खोली। और यहाँ रात को नजारा देखोगे सुहासरा के सुहासरा के आसपास जितनी सरकारी और प्राइवेट गौशाला है उससे ज्यादा गायें तो सड़कों पे रात यहाँ रहती है। कितनी दुर्घटनाएं होती है, गायें रोज एक्सीडेंट का शिकार होती, हमारे जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में गौ माता के शिकार हो जाते, बहुत सारे लोग अपनी जान गवा बैठे। पर यहाँ क्षेत्र के मंत्री जहाँ रहते हैं उनकी छत के नीचे आज शाम को आप देख लीजिए कम से कम 500 से 1000 गौवंश यहाँ पे रात रहता है। पर यहाँ के मंत्री को न तो गौ माता से लेना देना, किसानों से लेना देना, ना यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों से लेना देना, क्योंकि यहाँ औद्योगिक कॉरिडोर घोषित हो चुका है, यहाँ इंडस्ट्री के लिए जमीन आवंटन हो चुकी है। पर आज दिन तक सरकार में रहते हुए उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खुल सके, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में गांधी सागर है, पानी है, सरकारी जमीन है, यहाँ का वातावरण है, पर आज दिन तक उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों और मजदूरों के लिए कभी प्रयास नहीं किया। कल जी, और रही बात यहाँ के हॉस्पिटलों की स्थिति देख लीजिए, रेफर हॉस्पिटल है, बस खाली हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के सारे हॉस्पिटलों का सिविल का दर्जा जरूर दे दिया, पर सिविल अस्पताल के साथ फैसिलिटी भी बढ़ना चाहिए, केवल नाम के सिविल अस्पताल हुए, न डॉक्टरों की कमी पूरी हो रही। यहाँ अगर कोई छोटा सा मरीज भी जाता है, कोई गिर जाता है तो उसको सीधा रेफर कर देते हैं, न तो उनका उपचार सही हो पाता है, कुछ भी नहीं है। तो आज विचार कर लीजिए कि मंत्री होते हुए इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं। आपके द्वारा इतने सारे मुद्दे और समस्याएं उठाई जा रही है, कल जन आक्रोश यात्रा भी यहाँ पर आ रही है, किस तरह का माहौल है कांग्रेस को लेकर? आप देखे होंगे, आप रस्ते में आए होंगे, आपने थोड़े समय पहले जन आशीर्वाद यात्रा को भी नीमच में देखा होगा, किस तरीके से उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा पत्थरों का सामना करना पड़ा। आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कल मंदसौर से जन आक्रोश रैली शुरू हुई है, कल हमारे यहाँ आ रही है, आपने आप बाजार में आए होंगे, आपने देखा होगा चारों तरफ किसानों में किस तरीके का रोष है। और जन आक्रोश का मतलब ही यही है कि लोगों का आक्रोश सड़कों पर आ चुका है और उसकी आवाज कांग्रेस बन चुकी है कि जो किसान, गरीब, मजदूर, पढ़े लिखे नौजवान, हर व्यक्ति, हर वर्ग प्रताड़ित है इस सरकार में, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, कोई भी हो, तो उन सारे लोग आक्रोश में है, तो उन सारे आक्रोशों का संचालन करने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर। लोगों का आक्रोश है और जनता की आवाज कांग्रेस बन चुकी है, आपने इस बात का दावा किया। मेरा ये कहना है कि आपके इस दावे से क्या माना जाना चाहिए कि सुहासरा में कांग्रेस की क्या संभावनाएं देख रहे हैं? देखो, इस बार उपचुनाव में जरूर हमने हार का सामना किया, तो उस समय हम धोखे में मर गए,
पर एक बात है, इस बार आप किसी भी गली मोहल्ले चौराहे गांव में कहीं पे भी जाके खड़े होकर पूछ लीजिए, इस बार कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और यहाँ का जो विधायक है जिसने दल बदल किया था जाके मंत्री ने, तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे पहले किसी की विदाई दी जाएगी तो 226 से हरदीप सिंह डंग की इस विधानसभा से बाहर विदाई दी जाएगी। हरदीप भी गया और शिवराज भी गया और कमलनाथ जी आ रहे हैं। किसानों की सरकार आ रही, गरीबों की सरकार आ रही, मजदूरों पढ़े लिखे नौजवानों की सरकार 2023 में आ रही। कितने सीटों पर दावा कर, तो सीटें क्या मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से बनेगी। आप देख रहे हो जिस तरीके से सिंधिया गया, आज सिंधिया के गढ़ में क्या स्थिति है। अभी आपने थोड़े दिन पहले नगर प्रशासन के चुनाव देखे होंगे, नगर पालिका के, नगर पंचायत, महापौर के, कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला, शहरी क्षेत्र में भी मिला, तो सब कुछ जगह, हर जगह परिवर्तन है, शहर में भी परिवर्तन है, ग्रामीण क्षेत्र में भी परिवर्तन है। अतिक्रमण को लेकर, ब्रिज को लेकर भी मुद्दा छाया हुआ है। अतिक्रमण, हमारे यहाँ सुहासरा की स्थिति ये है कि सुहासरा 80% शासकीय जमीन में बसा हुआ है आज की स्थिति में। उसको बसाने का श्रेय किसको जाता है? उसके भाई को और उसको। उन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा कर 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 प्लाट आप बेच 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 कर सुहासरा की जनता को मझधार में लाके खड़ा कर दिया। उनको ये नहीं पता कि हम जिस जमीन पे मकान बना के रह रहे, वो जमीन सरकारी है कि प्राइवेट। पर वो क्या, सत्ता का संरक्षण है, भाई मिनिस्टर है, तो भाई के रुतबे में शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके सरकारी जमीनों को कब्जे में कर करके और प्लाट बेचे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, भ्रष्टाचार का तो आरोप है, चारों तरफ देख लीजिए ना। अभी थोड़े दिन पहले वो एक टैंकर और ट्रैक्टर वाला मामला था, तो ट्रैक्टर आगे रह गए, ट्राली पीछे रह गई, टैंकर पीछे रह गए, तो इसके तो बहुत सारे शव वाहन ऐसा बना है कि शव के पांव बाहर रहते हैं भ्रष्टाचार के आलम में। जो यहाँ झंडा लगाया उसका बिल देख लीजिए आप, उसका बिल क्या है और उसकी मूल्य कीमत क्या है। तो सर जी, भ्रष्टाचार के आलम तो क्या, 50% की सरकार बनी हुई, जिस तरीके से दो मुंह का सांप होता है, अब एक मुंह का सांप होता है तो एक तरफ से खाता है, तो 25% भ्रष्टाचार। यहाँ पे कोई भी योजना आती है, ये सड़क सामने मेरे ऑफिस के सामने की सड़क, इसका एक उद्घाटन इस मुंह पे भी हुआ ना, एक उद्घाटन उस मुंह पे भी हुआ, तो इसका मतलब तो तय हो गया कि 50% की भ्रष्टाचार की सरकार। कहीं पे भी चले जाओ, चारों तरफ एक योजनाओं के दो दो बार शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे, ठेकेदारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आसपास की जनता को भोजन कराओ, ये करो, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप करके। वो हरदीप सिंह जी डंग जो कांग्रेस में थे, तो ये कांग्रेस की ओर से भी इन लोगों इन्होंने काम किया, क्या कहेंगे? देखो, जब कांग्रेस डीएनए की बात होती है, जब कांग्रेस की विचारधारा है, तो कांग्रेस की विचारधारा जब थी तो वो विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे, तो आपको पता किसके लिए बैठे थे? किसानों के बीमे के लिए। वो केवल एक महज एमएलए थे कांग्रेस, आज कैबिनेट मंत्री है। इस क्षेत्र का बीमा बाकी है, मुआवजा बाकी है, कर्ज माफी की किस्तें बाकी है, पर वो सदन में ना तो कैबिनेट में बोलते ना बाहर आके बैठते, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ बोलने की खुली आजादी है। कांग्रेस का जो डीएनए है वो देश की आजादी का डीएनए, कांग्रेस के नेताओं ने, महापुरुषों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, यहाँ के किसानों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। पर भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है वो देश की मुखबरी का डीएनए है, उसके प्रमाण पत्र भी है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जिस पार्टी में गए, तो जैसी उनकी पार्टी, जैसे उनके महापुरुषों के चरित्र थे, वैसा काम वो कर रहे हैं। क्या देश को लूटने में लगे हुए हैं? आज आप देखिए कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, आज मोदी अडानी कंपनी के हाथों को देश को लुटाया जा रहा है। चारों तरफ मोदी अडानी को सारी चीजें बेच दी गई, रेल बिक गया, ट्रेन बिक गया, तेल बिक गया, सब तो बिक गया, अब तो हॉस्पिटल, अब शिक्षा भी बेचने को तैयार बैठे हैं। तो इनका एक ही काम है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर मोदी अडानी कंपनी का भला करने में लगे हुए। इनको किसी आम व्यक्ति से कोई लेना देना, हमारे छोटे लघु व्यवसायी, व्यापारी, यहाँ के छोटे उद्योगपति सब आज मरण अवस्था में है, पर इनको इस चीज की परवाह नहीं है कि देश किस ओर जा रहा है। बड़े गंभीर मुद्दे उठाए, बड़े मुखर होकर आरोप लगाए राकेश पाटीदार ने। राकेश पाटीदार का कहना है कि जो डीएनए है हरदीप सिंह डंग का, वो डीएनए कांग्रेस ही है, और कांग्रेस का जब डीएनए था तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसानों को लेकर खड़े हो गए थे, सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी, लेकिन अब वो मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, और किसान इस वक्त आफत में है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। हरदीप सिंह डंग पर, विधानसभा के विधायक पर और सरकार पर उन्होंने खुले आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, सुहासरा में अतिक्रमण का बोलबाला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि विधानसभा में, इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हरदीप सिंह की भी विदाई होगी, हरदीप सिंह डंग की भी विदाई होगी, शिवराज की भी विदाई होगी और कांग्रेस की भी सरकार बनेगी। सुना आपने राकेश पाटीदार की बात को। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।